भारत भीम स्वर्गीय जनार्दन सिंह की स्मृति में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में राज्य स्तरीय सीनियर पुरुषों व महिला कुश्ती चैंपियनशिप एवं उत्तर प्रदेश केसरी प्रतियोगिता का उद्घाटन शुक्रवार को अध्यक्ष भारतीय कुश्ती संघ एवं सांसद कैसरगंज ब्रिजभूषण शरण सिंह ने किया। दंगल में प्रतिभागी खिलाड़ियों ने अपने अपने दांव पेंच का खूब जोर आजमाइश किया। महानगर के प्रतिष्ठित व्यापारी अतुल सर्राफ ने अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पुनिया को 51,000 रुपये का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। दंगल में विजयी खिलाड़ियों को मुख्य अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पुनिया, महापौर सीताराम जायसवाल, प्रतिष्ठित व्यापारी अतुल सर्राफ, आयोजक आदित्य प्रताप सिंह सहित अन्य अतिथि, पूर्व खिलाड़ी, प्रतिभागी खिलाड़ी और भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने 76 किलो में आजा नीतू सिंह, ये आते हैं अरविंद और एंटीडिकर्सी ब्रिजभूषण सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, अरुणेश साहिब जी, कबड्डी संघ के अध्यक्ष जो है बड़े भाई धीरज सिंह हरीश जी, जो इस कार्यक्रम के आयोजन आरपी सिंह जी, आइए आइए जो डायरेक्टर, मैं बता दूं इस कार्यक्रम पर चार चांद लगाने के दुनिया के एक नंबर, देश का ही नहीं जोरदार स्टीवन के जी पहलवान, मैं आपको तैयार रखे जिसका नाम भैया आप एक मिनट बात कर लेना, एक मिनट बात कर लेना भाई, सभी अपने आप को तैयार रखे, हमने पहले पुकार दिया है, एक जमाना था कुश्ती शुरू कराइए, उसकी बाइक फाल हुई, अंजलि प्रजापति यहाँ पर दिल भी बहुत किया है, अर्जुन मेरा तुम्हें फाल भी दस दिन देखिए टाइटल बना रहे हुए हैं काफी परवान आप देखना जिंदा तुम हरीश जी, सतीश सिंह जी, सावन सिंह,
जी, अगर बिहार की कुश्तियाँ होती तो बहुत लाखों रुपए की कुश्तियाँ होती, लेकिन यहाँ तो मेडल जीत चुका है। लड़ते लड़ते काम हो जाएगी, बजरंग पुनिया नाम से हो गए यहाँ पूरे विश्व में हमारा स्थान आया है, तो किस तरह आया है, कितना मशक्कत करना पड़ा है। आप धैर्य बना करके देखें, तमाम ऐसी कुश्तियां भी हो रही है 16-17-18 कल हमारे सभी मुख्यमंत्री जी का चल 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 चल
ये खेल का जो हमारे रेसलिंग का जो परफॉर्मेंस है पहले से काफ़ी ऊपर गया है और काफ़ी खुशी है क्योंकि हमारी फेडरेशन भी इसी इरादे से लगी हुई है कि भाई जो आने वाले ओलंपिक है टोक्यो में उसके बाद पेरिस में है तो उन्हीं की तैयारी कर रहे हैं और जिस हिसाब से हम चल रहे हैं उस हिसाब से इस चीज़ को हम दर्शाते हैं कि जो परफॉर्मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप में थी जो पिछली वर्ल्ड चैंपियनशिप से देखे तो आप तो काफ़ी ऊपर गई है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा एक नंबर पे बने रहने की क्योंकि जो मेरी पिछले 2 साल से परफॉर्मेंस आई काफ़ी अच्छी आई है और आगे भी मैं 2020 तक ऐसे ही कोशिश करूँगा कि भाई दो मेरी ऐसे ही परफॉर्मेंस चलती रहे और मेरा ये नहीं कि भाई मैं एक नंबर पे बना रहूँ, मेरा टारगेट ये है कि भाई मैं चाहते भी जाऊँ देश के लिए मेडल लेकर। देखिए काफ़ी क्रेज है उत्तर प्रदेश में, काफ़ी पहलवान है और जहाँ जितनी भी अकेडमियाँ होंगी और अच्छा होगा क्योंकि किसी भी राज्य में आप जितने भी सेंटर होंगे वो उसके खेल को और बढ़ावा मिलेगा उससे तो जहाँ पे और सुविधा बढ़ेंगी तो और खिलाड़ी आगे आएंगे तो जितनी सरकार सुविधा देगी उतना ही अच्छा है खिलाड़ियों के लिए। जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं और सांसद जी भी हैं गोंडा से, तो मैं तो उन्हीं से बोल सकता हूं कि आप क्योंकि उन्होंने जहाँ पे मैं कॉलेज में पढ़ता था वहाँ पे भी एकेडमी बनाई है और भी 2-3 एकेडमी बनाई है तो धीरे धीरे बढ़ रही है और वो बोल रहे थे कि भाई हम मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे इस बारे में और ज़्यादा एकेडमियाँ हो और अच्छा होगा तो नेताजी बोल रहे हैं और वो उन्होंने भारतीय कुश्ती को ऊपर लेके गए तो वो गोरखपुर की यूपी की कुश्ती को भी ऊपर लेके जाएंगे। देखिए जहाँ पे भी टूर्नामेंट होता है सब जगह मतलब टक्कर के पहलवान है, ये नहीं कि भाई मैं देश में एक नंबर पे हूँ तो ये नहीं कि भाई वो टक्कर नहीं मिलती मुझे, हर जगह टक्कर मिलती है जहाँ पे भी कुश्ती होती है कुश्ती बराबर की होती है सभी तो कहीं पर भी टक्कर मिल सकती है, हर जीत कुश्ती में कहीं पर भी हो सकती है।